भंडार खोलिले प्रधानमंत्री मोदी। देशर 51,000 रु अधिक युवक युवती निजुक्ति पत्र बंटन। ओडिशारे 342 जन आशायी को निजुक्ति पत्र बांटिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। केन्द्र गृह मंत्रालय विभिन्न विभाग में निजुक्ति पाइले युवक युवती। रोजगार मेलार अष्टम संस्करण में देशर 51,106 जन आशायी को भिसी जरिया निजुक्ति पत्र बांटिले प्रधानमंत्री मोदी। देशव्यापी 45 स्थान में विभिन्न सरकारी विभाग एवं संगठन गुड़िक आशायी को निजुक्ति पत्र दि जाए। एक क्रम में भुवनेश्वर आयोजित रोजगार मेलार 342 जन को निजुक्ति पत्र प्रदान केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। निजुक्ति सृष्टि को प्राथमिकता देवाई रोजगार मेला को शक्त पदक्षेप प्रधानमंत्री। सेपटे आज युवशक्ति देश को विकसित सोपान में पहुंचाई पार बोली आशा व्यक्त करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से शुरू होकर ये 8th एडिशन जिसे कहा गया रोजगार मेला का आज संपन्न हो रहा है। हर एक मेला में 70,000 से 80,000 लोगों को डिजिटल तरीके से नियुक्ति पत्र दिया जाता है। प्रदेश की कई राज्यों में यहाँ एक सांकेतिक रूप में उसके साथ जोड़ा जाता है। देशर आभ्यंतरीण निरापत्ता, आतंकवाद मुकाबिला, विद्रोह मुकाबिला, वामपंथी उग्रवाद विरोधी एवं देशर सीमा सुरक्षा भली क्षेत्र में व्यापक नियुक्ति सृष्टि होइछे। रोजगार मेला माध्यम रे गृह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी जथा सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आसाम राइफल्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी एवं दिल्ली पुलिस रे युवक युवती को निजुक्ति मिली। नूतन निजुक्त कर्मचारी गृह मंत्रालय अधीन विभिन्न संस्थार कनेस्टबल, सब इन्स्पेक्टर एवं अण जेनेराल ड्यूटी क्याडर पदवी में जोगदेवे। बहुत खुशी लगे धर्मेन्द्र सार आसिक रोजगार मेला आमको निजुक्ति पत्र देखते बहुत खुशी लगे। आज जीवन प्रथम सरकारी निजुक्ति पाई केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान जीवन गोटे बहुत बड़ खुशी दिन। आज निजुक्ति पाइबा नवनिजुक्ति मान प्रशिक्षण कर्मजोगी पोर्टाल खोली केन्द्र सरकार, जो 580 प्रकार ई लर्णिंग कोर्स जोगाइ दि जाए। नुआ निजुक्ति सृष्टि क्षेत्र में प्रधानमंत्री परिबद्धता दिगरे रोजगार मेला एक बड़ पदक्षेप। रोजगार मेला माध्यम 10,00,000 सरकारी चाकरी देवाक लक्ष्य रखिंट मोदी सरकार। भुवनेश्वर स्वप्नांजलि महांती और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।